अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपकी खिदमत में हाजिर है मोहम्मद मूसा और आप देख रहे हैं टेक स्पिनिंग। दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। इस वीडियो में आपको बताएंगे तहसील तौसा शरीफ के बारे में। तहसील तौसा डिस्ट्रिक्ट रिजी खान का एक वसी इलाके पर फैला हुआ है और यहाँ के मुकामी लोग जो है वो सरेकी जबान बोलते हैं। सरेकी जबान को मीठी जबान भी कहा जाता है। अगर आप गूगल पर सर्च करें तो वहाँ पर स्वीट लैंग्वेज लिखें, वो भी सरेकी जबान ही आ जाएगी। किसी इलाके को जानने से पहले उसका महलेकू और तारीख जानना ज़रूरी है। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं तारीख और जोग्राफिया तौसा शरीफ के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किसी भी इलाके के मिसाइल जानने के लिए सबसे पहले उसकी तारीख जानना बेहद ज़रूरी है। मैं आज तौसा शरीफ की तारीख और उसके महले वकू के बारे में आपसे कुछ आगाह करना चाहता हूँ। तौसा शरीफ की तारीख पुराने वक्तों में रोदे संगढ़ के किनारे ऊंचे टीले पर आबाद चंद घर कच्चे घरों पर मुश्तमिल एक छोटा सा गांव था। रियासती और इंतजामी अमूर में कस्बा मंगरोटा को सदर का मुकाम दर्जा हासिल था, लेकिन शहरा पर होने की वजह से रफ्ता रफ्ता तौसा अहमियत अख्तियार करता गया और फिर इन रियासती अमूर के लोगों को सदर मुकाम को तब्दील करके तौसा को यह दर्जा देना पड़ा। इस शहर की नस्बत से कई मफरूज़े कायम हैं। सबसे पहला मफरूज़ा यह है कि तौसा शरीफ के जंगलों में मोर या ताऊस रहा करते थे, जिनकी नस्बत से इस शहर का नाम तौसा पड़ गया, जो बाद में बिगड़ते बिगड़ते तौसा हो गया। दूसरा मफरूज़ा यह है कि शहर में हिंदू आबादियाँ थीं जिनके जद अमजद का नाम तौसराम था, उस नाम की नस्बत से इस शहर का नाम भी तौसा पड़ गया। तीसरा मफरूज़ा जो कि हकीकत के करीब तरीन है वो यह है कि तौसा सरेकी जबान के लफ्ज़ तस से निकला है, जिसका अरबी जबान में मास लफ्ज़ तौस है, जो तशंगी या प्यास के मानी में इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपको बता चुका हूँ कि ऊँचे टीले पर वाक़ था तौसा, जिसकी वजह से पानी की सतह ज़मीन से गहराई बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पीने के लिए पानी की शदीद किल्लत थी और सालाना औसत बारिशें भी बहुत कम हुआ करती थीं। लोग इस वजह से बहुत परेशान रहा करते थे। इसी प्यास के मद्देनज़र इस शहर का नाम तौसा रख दिया गया। इब्तदा में जो कौमें आबाद हुई उनमें सबसे पहले भुट्टा कौम, जो असल में जट नस्ल से थे, उसके बाद बलूचिस्तान से चचा पठान और उसके बाद मुल्तान से लंगा कौम की आमद से यह शहर खूब फलने फूलने लगा। उसके बाद जाफ़र कबीले की गड़गोजी से तौसा आमद में बहुत से अकवाम को तौसा शरीफ के रास्ते दिखा दिए, क्योंकि इनमें एक दरवेश सिफ्त इंसान ख्वाजा शाह सुलेमान, जो बाद में ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी के लकब से मशहूर हुए। उन रवानी शख्सियात में ऐसा शहर था कि कोहे सुलेमान के दामन में आबाद बलोच कौम ने भी तौसा का रुख अख्तियार कर लिया और आज तक यह सिलसिला जारी है। उसके बाद तौसा के महले वकू की तरफ आते हैं। कराची टू पेशावर और पेशावर हाईवे यानी अंडस हाईवे पंजाब की आखिरी हदूद में वाक़ यह तहसील तौसा शरीफ है, जिसका लाहौर से फासला 450 किलोमीटर और कराची से फासला 975 किलोमीटर है। तौसा शरीफ को तीन सूबों का जंक्शन कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि तौसा शरीफ खुद तो पंजाब में एक हदूद बलूचिस्तान से और दूसरा हदूद खैबर पख्तूनख्वा से जाकर मिलती है। तौसा शरीफ के शुमाल में डेरा इस्माइल खान और जुनूब में डेरा गाजी खान और उसके मलहका कबायली इलाके, मशरक में लैया कोट सुल्तान और मगरब में कोह सुलेमान का वसी और इस पहाड़ी सिलसिला फैला हुआ है यानी वाक़ है। 2017 शुमारे के मुताबिक तौसा शरीफ की कुल आबादी 7 लाख अफराद पर मुश्तमिल था, जिनमें ज़्यादातर लोग देहातों में रहना पसंद करते थे और 2.25 लाख के करीब लोग इस शहर में भी आबाद थे। अब इस तौसा शरीफ के तालीमी शरह और अदबी पस मंज़र की तरफ आपको लेकर चलता है। पंजाब की आखिरी हदूद पर वाक़ यह तहसील कम वसाइल होने के बावजूद तालीमी मामले में सबसे ज़रखेज़ खित्ता है। इसका लिटरेसी रेट 93% है, जिसकी वजह से इसे यूनानी सगीर भी कहा जाता है। अदबी पस मंज़र में कुछ शोरा इकराम जो इस मट्टी से वाबस्ता हैं उनका नाम भी लेना मेरे लिए किसी इजाज़ से कम नहीं है। उर्दू ज़बान के जदीद शायर तहजीब हाफ़ी, साईं अहमद ख़ान तारिक, इकबाल सोपड़ी, रियाज असमत, नज़र नज़ीर कैसरानी और साईं आबिद बिलाल आबिद काबिल ज़िक्र हैं।
उर्दू ज़बान के जीद शहर शायर तहजीब हाफ़ी के दो शेर आप लोगों के गोश गुजार करना चाहता हूँ। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाज़ें तुझे दी कि गला बैठ गया। रहना अपना लड़ना भी मोहब्बत है तुझे इल्म नहीं, अपना लड़ना भी मोहब्बत है तुझे इल्म नहीं, चीखती तुम रही और मेरा गला बैठ गया। और बिल्कुल इसी तरह सरेकी ज़बान के शायर इकबाल सोकड़ी के कलाम आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। क्या खबर ई महावे मता कोई पैगंबर आवंजे, अपनी वस्ती च अबू जहल दा घर होवे पिया। सियासी और मजहबी शख्सियत के हवाले से तौसा शरीफ में तीन ख़ानदान नुमाया हैं, उनमें सबसे पहले खाजगान, उसके बाद तमन कैसरानी के सरदार मीर बादशाह खान कैसरानी, उसके बाद तमन बुजदार के सरदार सरदार उस्मान खान बुजदार जो के पंजाब के मौजूदा चीफ मिनिस्टर भी हैं। तौसा शरीफ में तीन मजहबी शख्सियत ऐसी हैं जिनके सहर से आज तक आवाम ना निकल सकी, उनमें हज़रत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह, उसके बाद मौलाना अब्दुल सत्तार तौसवी और सूफ़ी नज़र हुसैन। इन लोगों ने इस्लाम की भरपूर खिदमत की जिसकी वजह से आज भी अवाम इनके लिए बड़ी मोहब्बत और अकीदत रखती है। अब मैं आपको तौसा शरीफ के उन काबिल ज़िक्र मुकामात की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ जिन्हें देखकर कहा जाता है कि ये मेरा तौसा है। उनमें सबसे पहले मज़ार शाह सुलेमान, जहाँ पर हर साल हज़ारों ज़ायरीन मोहब्बत और अकीदत के फूल लेकर आते हैं और अपनी मोहब्बत ख्वाजा के कदमों में निछावर कर देते हैं। सैर व तफरी के लिए हमारे इलाके के लोग कोहे सुलेमान के दामन में गुलकी और गर्म आफ जैसे इलाकों का रुख करते हैं। अगर उन इलाकों से जी भर जाए तो फिर तौसा बिराज के लिए सैर व तफरी को अपनाते हैं। मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। जी दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशन आएगी आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।